नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार पांडे अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। अब ये जो सामने देख रहे हैं ये 250 लीटर का प्लांट है, 250 लीटर का प्लांट है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये रॉ वाटर पंप है, इसे फीड वाटर पंप भी कहते हैं। ये आधे HP का पंप है। यहाँ से ये पानी की जो ये पाइपलाइन है, ये आप देख रहे हैं, ये पाइपलाइन जो है ये वेसल में गई हुई है। 250 लीटर के प्लांट में ये सिंगल वेसल होता है, इसी में आधे में मीडिया होता है, आधे में कार्बन होता है, यानी दोनों काम ये करता है। ये मल्टीपोर्ट वाला है, इसके फंक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है, जिसे बैकवास फिल्टर रेंस वगैरह किया जाता है। ये इसका हैंडल होता है, इस हैंडल से इसको नीचे प्रेस करके इसको घुमाते हैं और इस पर जहाँ पर जो चीज़ें लिखी होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बैकवास, उसके बाद आप इधर देखेंगे यहाँ पर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ये रिंस होता है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, ये रिंस है। उसके बाद इधर में ये जो है ये पोजीशन होती है, ये फिल्टर की होती है इधर से। तो इस प्रकार से ये आपका जो है मल्टीपोर्ट वाल्व है। ये इसमें तीन पॉइंट होते हैं, एक इन होता है, एक आउट होता है और एक ये ड्रेन होता है। सारे मल्टीपोर्ट वाल्व में ऐसा ही होता है। यहाँ से पानी जो है इस पाइपलाइन से होता हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये बिग ब्लू में जाता है। ये जो सामने बिग ब्लू है, इसके अंदर PP फिल्टर लगाया जाता है 5 माइक्रोन का। उसके बाद यहाँ से आपका पानी जो है इस पाइपलाइन से होता हुआ आपका आता है यहाँ पर हाई प्रेशर पंप पे। ये हाई प्रेशर पंप है, ये 1.2 HP का ये हाई प्रेशर पंप है। ये इसका नीचे का इन होता है, ये इसका आउट होता है। यहाँ से पानी आपको मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, ये मेम्ब्रेन का वेसल है, ये SS का मेम्ब्रेन का वेसल है। इसमें ये देखिए, ये जो होता है इन होता है और इसमें आउट, एक इधर से बीच में से आउट होता है। ये प्रोडक्ट की लाइन है, यहाँ से साफ पानी यानी पीने वाला पानी यहाँ से निकलता है। इसके जो बाजू साइड है यानी दूसरे साइड में, इसके ये साइड से यहाँ से वेस्ट पानी निकलता है, ये वेस्ट पानी निकलता है और यहाँ से आप देख रहे हैं ये वेस्ट पानी निकलता है। ये वाल लगाया गया रहता है जिससे मेम्ब्रेन के अंदर के प्रेशर को मेंटेन करते हैं कि हमें कितना प्रेशर रखना है, कितना प्रेशर नहीं रखना है। तो इससे यह होता हुआ यहाँ पर अंदर जाता है। इसके परली साइड में रोटामीटर लगा हुआ है, ठीक ऐसे ही यह जो प्रोडक्ट लाइन है, पीने वाले पानी की लाइन है, ये आई हुई है और ये भी उधर में रोटामीटर में है, जिससे ये कितना पानी निकल रहा है ये पता चलता है। भाई ये सामने से इसको देखते हैं, ये देखिए, ये आपका रोटामीटर, ये दो रोटामीटर है, जिसमें से ये जो रोटामीटर है जो मैंने आपको बताया, जिसमें ये प्रेशर ये वाल लगा हुआ है, ये रिजेक्ट की लाइन होती है, ठीक है, रिजेक्ट की लाइन। यहाँ से आप वो देख रहे हैं कि ये जो है ये पाइप गया हुआ और फिर ये नीचे से ये अंदर गया और अंदर आने के बाद यहाँ से रोटामीटर से ऊपर होकर के फिर यहाँ से जो है ये इसका ड्रेन निकाला गया, ये ड्रेन में चला जाता है, वेस्ट में चला जाता है। ठीक वैसे ही ये जो पाइपलाइन आई है, ये पाइपलाइन प्रोडक्ट की है, ये पाइपलाइन ऐसे सीधी आई है और ये भी यहाँ पर आकर के ये इस साइड में ये रोटामीटर में, तो ये दोनों रोटामीटर है, इसको फ्लोमीटर भी बोलते हैं। इससे जो है पता चलता है कि हमारा वेस्ट का जो पानी है घंटे में कितना निकल रहा है और ये प्रोडक्ट का घंटे में कितना निकल रहा है। इसमें दो ये प्रेशर गेज लगे हैं घड़ी के जैसे। इस प्रेशर गेज में एक में जो मैक्सिमम है, ये आप देख रहे होंगे कि ये 21 KG तक होता है, एक में ये 7 KG तक होता है। तो ये जो 21 KG तक का होता है मैक्सिमम, इसमें आप देख रहे हैं ये, तो इसका कनेक्शन जो है ये 1/4 के पतले वाले पाइप से आप किया जाता है, वो कनेक्शन यहाँ से दिया जाता है, यहाँ से पाइप के द्वारा पतली पाइप से इसका कनेक्शन इसमें दिया जाता है। और ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ये
ये देख रहे हैं ये 7 kg तक है, मैक्सिमम 7 kg तक का प्रेशर ये बताता है। तो इसका ये कनेक्शन यहाँ से और इसमें किया जाता है। तो ये जो है ये बिग ब्लू जो है हमारा, ये जाम है नहीं जाम है इसका पता हमें इससे चलता है, इसे लगता रहता है। उसके बाद ये आपका डिजिटल पैनल है, इसमें ये पावर स्विच है ऑन ऑफ का, उसके अलावा यह जो बटन है ऑटो और मैनुअल का बटन है। जब मैनुअल हमें चलाना होगा तो हमें ये रॉ वाटर पंप का बटन दबाना पड़ता है, उसके बाद हाई प्रेशर पंप का बटन दबाना पड़ता है। अगर हम इसे ऑटो में चलाएंगे, ठीक है, तो जब ऑटो मोड में रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों पंप चलते रहते हैं। बाकी इसमें ये सारे इंडिकेटर लगा है जो इसकी पोजीशन को बताते हैं कि इसमें जो है ये ऑटो मोड में है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑटो मोड में है, ये ऊपर वाला जो है क्यों नहीं हो रहा है, ये ऑटो मोड है। उसके बाद ये नीचे वाला मैनुअल मोड में है, यानी जब ऑटो मोड में होगा तो ये इंडिकेटर जलेगा, जब मैनुअल मोड में होगा तो ये इंडिकेटर जलेगा। अगर रॉ वाटर जो टैंक है हमने फ्लोट स्विच लगा रखा है या कोई सेंसर लगा रखा है तो अगर वो खाली हो गया तो ये इंडिकेटर जो है ब्लिंकिंग करेगा, जलेगा। अगर रॉ वाटर पंप हमारा चल रहा है तो ये नीचे वाला रॉ वाटर पंप को इंडिकेट करता है, ये बताएगा। वैसे ही इधर का जो है ये हमारा लो प्रेशर स्विच ट्रिप, यदि लो प्रेशर स्विच ट्रिप है तो ये ब्लिंक करेगा, हाई प्रेशर स्विच अगर ट्रिप है तो ये ब्लिंक करेगा। हाई प्रेशर पंप हमारा अगर ऑन है तो ये जला रहेगा, ऑफ है तो बंद रहेगा। वैसे ही है ये ट्रीटेड वाटर टैंक, यानी जो पीने वाला पानी है उसका, उसमें भी यदि हमने सेंसर लगा रखा है तो वो यदि भर जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा भर गया। और ये जो है ये डायग्राम है पैनल का कि कैसे कैसे जो है ये वर्क करता है। तो इस प्रकार से ये जो है डिजिटल या कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक पैनल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो 250 लीटर का प्लांट है, ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।